अल्टीमेटली अगर मैं नहीं करता ये तो मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान था। जहाँ आप सही हो वहाँ सही हो, nobody can prove you wrong। यहाँ देखो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। नहीं अभी देखो, इस बात मत देखना। तो भाई आज हम अनवील करने वाले हैं पीछे एक स्पेशल कार। नजरें नहीं हट रही यार, नजरें नहीं। हमने इस गाड़ी में क्या क्या किया है तो उसका डिटेल, देन हमने इसको कन्वर्ट किया फ्रॉम रेगुलर टू लेजेंड। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई आज हम लेने जा रहे हैं एक नई गाड़ी की डिलीवरी, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। ये गाड़ी बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही सारे लोगों का प्यार है, और हमने इस गाड़ी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है एक स्पेशल बंदे के लिए, और आप सब लोग जानते हो उसे। चलते हैं, और इसकी डिलीवरी जो होगी ना हमारे गोल्फ कोर्स वाले स्टूडियो से होगी, तो ये और भी एक्साइटिंग हो जाती है, बिकॉज यू नो नया स्टूडियो, नई गाड़ी, अलग लेवल का मज़ा आ रहेगा। तो भाई बने रहो मेरे साथ व्लॉग में, आपको बढ़िया बढ़िया अभी रील भी देखने के लिए मिलने वाली है। और भाई कौन कहता है लीगल नोटिस भेजने से कुछ नहीं होता, आपको लास्ट व्लॉग में मैंने प्रूफ करके दिखा दिया ना भाई। इफ़ यू आर लीगली राइट तो थिंग्स विल मूव एज पर यू। तो वॉल्वो वाले कह रहे हैं कि अगर हम आपको वो लिख के दे देते हैं तो अपना नोटिस वापस ले लोगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ले लेंगे, हमारी कोई पर्सनल ग्रजेस थोड़ा है, बट अल्टीमेटली अगर मैं नहीं करता ये तो मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान था भाई। 5 लाख रुपीज फॉर नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट, स्टिल द कस्टमर हैज़ टू पे। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए नीचे, कई लोगों से उन्होंने चार्ज किए, देखा मतलब कई लोगों ने मेंशन किया, किसी का टोयोटा वालों ने चार्ज किया है, किसने किस। अगर आप लीगली फाइट करते ना उनसे, आई एम श्योर आप कोई भी 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता आपको, 1 पैसा भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि जहाँ आप सही हो वहाँ सही हो, नोबडी कैन प्रूव यू रॉन्ग। यहाँ देखो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। नहीं अभी देखो, इसके बाद मत देखना प्लीज। हाँ। अभी डाल ले, उसके बाद मेरे को दे दियो। ये देखो। और यहाँ पे होने वाला है आज एक गाड़ी की बहुत ही बढ़िया अनरैपिंग। मीट मिस्टर गुरप्रिंस रूपी। ये देखो भाई, एडिट करते टाइम है भाई, ऑल ब्लैक। ये नहीं उधर। अच्छा मैं देख रहा हूँ शर्ट पे कुछ तो नहीं लिखा। ऑल ब्लैक नहीं, वहां तो लिखा हुआ रॉन्ग, और रॉन्ग के भी स्पेलिंग रॉन्ग है। क्या करना, यही तो प्यार है सर। इतने सारे थम्स अप, स्टार, क्या क्या छपवा के लाया, और किससे बनवाई, कार्टून वाली से लग रही है, खुद प्रिंट करी है सर। क्रिएटिव क्या लिखा है, स्टाइल है सर। ब्रू, ब्रू भी नहीं लिखा, ब्रू लिखा है सर। मिस्टेक्स इंक्लूडेड है, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स इंक्लूडेड। हां भाई कई लोग बोलेंगे आपको फिर सर आपका अंग्रेजी का एक्सेंट ठीक नहीं है। कोई बात। तो भाई आज हम अनवील करने वाले हैं पीछे एक स्पेशल कार। भाई हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आज से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले स्टार्ट किया था भाई। 20 दिन तो स्टार्ट किया भाई, 20 working days। तो मैं थाईलैंड ही निकाल लाया। हाँ तो वर्किंग डेज तो कम, हाँ फिर तो वैसे तो कम दिन ही हुआ। ओवरऑल हमने ये प्रोजेक्ट डिलीवर कितने टाइम में किया? हाँ किट, मतलब मेरे हाथ में गाड़ी आई, मैंने एक छोटा ट्रिप करा, इतने मेरे पास किट भी आ गई। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 7 दिन लगे हुए, सुपर फास्ट है ना। तो भाई 7 डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, सॉरी फॉर 20 डेज, 20 डेज नहीं लगे, 7 दिन लगे। और अब हम इसको करने वाले हैं अनवील। हमने इस गाड़ी में क्या क्या किया है तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मैं दूंगा। पहले हमने इस गाड़ी का जो प्राइमरी कलर था उसको छेड़ा था। तो भाई इसका कलर था कौन सा, ग्रे था भाई कलर इसका, ये नाटो थोड़ा डेटोना ग्रे था भाई, पता नहीं कोई तो ग्रे था। तो सिंस हर कंपनी अपने अपने कलर अलग तरीके से डिफाइन करती है, तो इनका ग्रे कलर था, जो कि बहुत ही बेकार लग रहा था इस गाड़ी पे, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ ना ब्लैक कलर में ही अच्छी लगती है। आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे आई बिलीव। तो हमने इस गाड़ी का कंप्लीट ब्लैकआउट कराया, और उसके लिए हमने गाड़ी को पेंट नहीं किया। हमने क्या किया उसके लिए, हमने उसके लिए लगाया इस पर ब्लैक PPF, ताकि इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाए और कलर भी चेंज हो रहा है। सिंस इट्स अ टेम्परेरी काइंड ऑफ
रैप विच इज थिकर देन विनाइल, तो इसीलिए कोई आपको आरटीओ से एज सच परमिशन की जरूरत नहीं, बट हाँ आप ऑनलाइन जाके एक वो डाल सकते हैं और एक वो 500-700 रुपये लेंगे आपसे और वो टेम्परेरी एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। अब वो कई स्टेट्स में तो मिलना आसान है, कई स्टेट्स में मिलना मुश्किल है। तो आप देन हमने इसको कन्वर्ट किया फ्रॉम रेगुलर टू लेजेंडर, उसके लिए हमने इसकी हेडलाइट्स, बम्पर और टेल लाइट्स अलॉन्ग विद ग्रिल, सात फेरे लेने हैं इसके हमने, ग्रिल और पीछे का बम्पर, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज करी हैं। और इसको हाईलाइट देने के लिए हमने जो फॉर्चूनर लिखा होता है दोनों तरफ डोर के क्लैडिंग पे, उसको करा है रेड एक्सटेंड में। इसको थोड़ा सा और पैम्पर करने के लिए हमने क्या करा, इसके अलॉय व्हील्स करे हैं ब्लैक पेंट और कैलिपर करें इसके रेड। तो अब गाड़ी का ना फाइनल अनवील करने वाले हैं हमारे माइटी मॉन्स्टर को। वाई वी आर कॉलिंग इट अ मॉन्स्टर बिकॉज ये आने वाले टाइम में भी मॉन्स्टर रहेगा। मैं ना कसम से फैन हो गया कि गाड़ी का लुक कैसे ही चेंज हुआ। हाँ मतलब, वो हमारा फोटो पहली मतलब ये वाली गाड़ी भी जो हमने बनाई थी ना, इट वॉज रेड लाइट पे रुक के ना मैं कितनों को ऐसे वाट चुका ना, आते हैं नई गाड़ी है नई गाड़ी है नई गाड़ी है। हाँ भाई अच्छा मैं समझ गया, मैं बहुत बुरा तो दिया नहीं उधर, खुश दे रहा हूँ, खुशी है। चलो भाई कैसा लगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, और जरूर कमेंट करके बताओ। नजरें नहीं हट रही यार, नजरें नहीं हट रही। हमने पहले भी विकास भाई की गाड़ी करी थी तो रिएक्शन उनका भी कुछ इसी तरीके का था, और इस बार खन्ने का भी रिएक्शन ऐसे ही आया। मेरी और हमने उस टाइम भी ना पूरी गाड़ी को ब्लैकआउट का थीम दिया था, एलॉय व्हील्स ब्लैक पेंट करे थे, कैलिपर्स रेड पेंट करे थे, और हमने फॉर्चूनर जो यहाँ पे डोर क्लैडिंग पे आता है ना वो पहले थे जिन्होंने रेड किया था, उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर लिया था, तो विच इज़ गुड एज वेल। अगर आप कुछ सही कर रहे हो तभी लोग आपको कॉपी करेंगे। अभी दोबारा से पर्दा लगा दिया गया ताकि अब रील के लिए शॉट जाए, और फिर रील के शॉट के बाद फिर निकलेंगे हम, फिर इसको खाना खाने देंगे और हम निकल जाएंगे प्रिंस को खाना खाएगा।